हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आपको आज लॉबी थोड़ी चेंज लग रही होगी, है ना? लग रही होगी यार, क्यों नहीं लगेगी। पबजी मोबाइल में हम पबजी लाइट नहीं खेल रहे आज। तो मैंने यार जब से यूट्यूब चैनल शुरू करा है, मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि यार पबजी लाइट पर क्यों टेके पड़े हो यार, सिर्फ पबजी मोबाइल भी करो, अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे, क्योंकि पबजी मोबाइल के यूज़र्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पबजी लाइट। अब मेरा भी यार काफ़ी टाइम, मैं पहले यार पबजी मोबाइल ही खेलता था, मैंने स्टार्टिंग में आई थी पबजी, मैंने तब से खेलना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं पबजी लाइट में शिफ्ट हो गया, क्योंकि यार मेरा पहले 2 GB रैम वाला ही फ़ोन था और उसमें पबजी मोबाइल इतनी अच्छे से चलती नहीं थी, तो मैं खेलता नहीं था। और वैसे भी मेरे को पसंद नहीं थे उस टाइम, क्योंकि इसमें आधे आधे घंटे के मैच होते हैं जो कि मुझे इतने पसंद नहीं आते, तो मैं पबजी लाइट में शिफ्ट हो गया था। वैसे मुझे आधे घंटे का, पौने घंटे का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वैसे तो, क्योंकि यार मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करता ही नहीं गेम में, क्योंकि मुझे पहले इतना गेम के बारे में पता भी नहीं था। मुझे बस पबजी में यही पता था कि यहाँ पे नहीं, एक स्टार्ट का बटन होता है, उसको दबाते हैं और गेम स्टार्ट हो जाती है, बस फिर हम खेलते हैं और मैच हो जाता है पूरा। उसके अलावा इस गेम में कुछ है नहीं, मुझे पहले ऐसे लगता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके मुझे पता लगा, फिर पबजी लाइट के अंदर पता लगा, फिर मैंने उसके अंदर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करनी शुरू करी, मूवमेंट अपनी स्पीड तेज़ करी, तो थोड़ी थोड़ा आने लग गया, फिर हम भी अच्छा खासा खेलने लग गया मैं भी। लेकिन इस गेम की मेरे को सबसे बढ़िया बात ये लगती है, अब तो वैसे काफ़ी चेंज हो चुकी है गेम, पहले तो बहुत सिंपल सी थी जैसे पबजी लाइट है अभी, लेकिन इस गेम के अंदर एक बात है कि इसमें मतलब, हाँ इसमें हम कि हर हफ्ते अपने कह रहा हूँ मतलब हम क्लैन पॉइंट्स कलेक्ट करके हम रूम कार्ड खरीद सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, वर्सेस मैच कर सकते हैं। ये मुझे इस गेम की काफ़ी अच्छी बात लगी, क्योंकि पबजी लाइट के अंदर यार 100 UC तुम्हें देने पड़ेंगे, 100 BC देने पड़ेंगे तुम्हें, और 100 BC उसमें आते हैं ऑलमोस्ट, कितने के आएंगे, 70 या 75 के मिल जाएंगे, लेकिन इसमें हम क्लैन पॉइंट्स कलेक्ट करके फ्री में ले सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, बैटल कर सकते हैं। इसमें पहले तो यार काफ़ी सिंपल थी गेम, लेकिन अब इसमें काफ़ी सारे मोड्स आ गए हैं, काफ़ी सारे मैप्स आ गए हैं। पहले तो पबजी मोबाइल के अंदर खाली एक क्लासिक था और एक वो था पेलोड मोड, लेकिन अब इसके अंदर काफ़ी सारे मैप आ गए हैं, जैसे लिविक हो गया, अभी एक गॉडज़िला वाला नया वो आया है, नया इवेंट आया है, इसमें काफ़ी सारे इवेंट आते रहते हैं, पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत कम आते थे, लेकिन अब तो बहुत आते रहते हैं, अब तो मिरामर, लिविक, टाइटन स्ट्राइक्स, पता नहीं कौन कौन से नए नए आ चुके हैं अब मैप्स, तो गेम में काफ़ी सारे चेंजेस हो गए जो कि काफ़ी बढ़िया लगे मुझे काफ़ी ज़्यादा। हाँ अरीना, मेरे को अरीना बहुत बढ़िया लगा, टीम डेड मैच बहुत बढ़िया। पहले तो क्योंकि ये भी नहीं होता था, पहले तो खाली सिर्फ एक वेयर हाउस होता था जिसमें हम गन्स उठा के मतलब बस फाइट कर सकते हैं, उसमें ट्रेनिंग कर सकते हैं और यही सब चीज़ें थी, लेकिन अब गेम के अंदर काफ़ी सारे मैप्स आ चुके हैं, काफ़ी सारे, जैसे एक लाइब्रेरी हो गया, लाइब्रेरी में अभी आपको खेल के दिखाता, लेकिन अभी लाइब्रेरी अभी ओपन नहीं है, 2 दिन बाद ओपन होएगा, तो इसकी भी वीडियो चलो मैं डालूंगा, टीम चैलेंजेस वगैरह की डालते रहेंगे हम और आते रहेंगे, लाइब्रेरी के काफ़ी सारे मैचेस मैं डालूंगा, पबजी मोबाइल की वीडियोस डालना भी शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि सिर्फ पबजी लाइट मत डाल, पबजी मोबाइल भी डाल, तो अब आते रहेंगे यहाँ पे। अब TDM के लिए मैंने अपनी स्कार, अब तक मेरी खाली स्कार वगैरह ये सब ओपन हुई है मेरी, क्योंकि मैं ना के बराबर खेलता हूँ पबजी मोबाइल, पबजी लाइट में मैं भी रैंक पुश कर रहा था, इसलिए मैं पबजी मोबाइल ज़्यादा भी वीडियो डाल नहीं पाऊँगा, बस एक बार एस पहुँच जाऊँ उसके बाद फिर पबजी मोबाइल की वीडियोस भी आती रहेंगी। मैंने अब एक TDM स्टार्ट कर दिया जिसमें मैं इसको पूरा दिखाऊँगा नहीं, इतना कुछ खास गेम था, क्योंकि मैंने फर्स्ट मैच अपना दिखाया था, जो मैंने फ़र्स्ट मैच खेला था, तो मैं ज़्यादा कुछ दिखाऊँगा नहीं, इसमें सीधा किल दिखा दूंगा, छोटा सा मॉन्टेज टाइप में दिखा दूंगा। वैसे एक बात है कि पबजी मोबाइल के अंदर मूवमेंट स्पीड, मतलब पबजी मोबाइल के अंदर अगर हम खेलना स्टार्ट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो हमारी मूवमेंट स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पबजी लाइट के अंदर चलो पहले आप मॉन्टेज देख लो उसके बाद बताते हैं।
my hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it, how come I haven't hit it already, still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning, something called a profit, if I hear you talking shit, don't get caught in it, I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit, yeah I promise this, I got promises, you ain't stopping this, cross my shit, you'll be knocked unconscious bitch, that's the consequence. यही था यार, छोटा सा मॉन्टेज मान लो यार, क्योंकि ये मेरा शायद वेयर हाउस में दूसरा या तीसरा मैच था, तो मैं आपको दिखाना चाहता था कि पबजी मोबाइल के अंदर यार अभी भी हम हैं, थोड़े से वर्दी हैं अब यार। अब मैंने क्लासिक स्टार्ट कर दिया था और मैं लॉबी देखने आया था पहले, तो मैं आपको लॉबी दिखा दूँ यार। लॉबी यार मतलब लॉबी पहले मेरे को पहले से ज़्यादा कुछ चेंजेस तो लग नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ लेकिन अभी पहले से काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स आ चुके हैं इनके ऊपर। अब तो काफ़ी सारे टाइटल प्लेयर दिख रहे थे मेरे को लॉबी में, और मैप भी वैसा ही है काफ़ी। अभी कुछ इसमें तो कुछ ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं है। हाँ पर मैंने देखा था क्लासिक के अंदर एक नई शॉटगन आ गई और कुछ नए टाइप के बॉम्ब्स आ गए हैं, ग्रेनाइट्स वगैरह आ गए हैं, वो मैंने देखे थे, मुझे अच्छे लगे थे। शॉटगन तो काफ़ी अच्छी थी। सही में यार पबजी वालों ने अब गेम को और ज़्यादा बढ़िया बना दिया है। पहली गेम इतनी एडिक्टेड थी, अब और ज़्यादा हो गई है, और ज़्यादा खेलने का मन करेगा लोगों का, और ज़्यादा लोग घुसे रहेंगे। अब VPN लगा के लोग इतना चला रहे हैं, क्या करें यार, गेम ही इतनी बढ़िया है, इसमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया मैप्स हैं यार। मैं भी सारे ट्राई करूँगा, अभी तो मैंने डाउनलोड भी नहीं करे, मैंने अभी कुछ दिन पहले ये गेम इंस्टॉल करी थी, मैं इतने टाइम से अनइंस्टॉल कर रखी थी, लेकिन अब मैंने सोचा यार मैं डालूँगा, पबजी मोबाइल की वीडियोज़ भी डालेंगे। अब इसमें एक नया मोड आया, कौन सा था, गॉडज़िला वाला मोड आया, तो मैंने अभी तक एक बार भी वो ट्राई नहीं करा, मुझे पता भी नहीं है कि उसमें करना क्या है, उसमें खेलते कैसे, तो मैंने उसको स्टार्ट तो कर दिया है। मेरे दोस्तों ने भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं था, बस इतना बताया था कि बढ़िया है मोड, तो एक बार मैं खुद ही ट्राई करके देख लेता हूँ। मुझे इसके बारे में अभी कुछ भी आइडिया नहीं है कि कैसा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि अभी स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रही, देखते हैं। मैं हाँ गाइस, मैं लॉबी में आ चुका हूँ, और लॉबी तो भाई बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी लॉबी है। मतलब मौसम देखो, मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, इसमें ये कुछ हम गाइड देना नहीं पड़नी हमें, नहीं पड़नी। ड्रैगन ये मकड़ी के बारे में बता रहे थे गाइस, एक बार अब ये देखो बादल कितने तगड़े हो रहे हैं, और ये क्या है भाई, भाई ये क्या है, ये गॉडज़िला है, ये क्या निकाल रहा है अपने मुंह से, तो ब्रश नहीं करा क्या भाई, बहुत तगड़ा है गॉडज़िला भाई। तुम एक बार मौसम देखो यार, तुम मौसम देखो कैसा हो गया है, बादल कैसे गरज रहे हैं, ये गॉडज़िला आया और ये चला गया, इसकी पूंछ कितनी बड़ी थी। अच्छा एक बार पहले ही ऐसे ही वो आया था शायद मम्मी वाला एक मोड आया था, अब उसमें भी कुछ ऐसे ही था, लॉबी में पहले मम्मी आती थी, बहुत ऊपर तक जाती थी, मिट्टी उड़ती थी, और उसके बाद फिर भाई सब ख़त्म हो जाता था, तो अब मैंने लैंड कर दिया है। अब जब तक मैं एरोप्लेन में था मौसम देखो कैसा था, और अब देखो कैसा हो गया, मतलब बिल्कुल काले काले बादल, थोड़े थोड़े नीले, मतलब यार काफ़ी बढ़िया मोड बना दिया उन्होंने। तो यार मैं उतर चुका था, मेरे को जगह का नाम तो नहीं पता, लेकिन मैं उतर चुका था, यहाँ पर मैं थोड़ी सी लूट वगैरह करूँगा, लूट करके फिर निकलते हैं यार, देखते हैं ज़रा गॉडज़िला के पास जाके कैसा होता है मैप में, देखते हैं थोड़ा घूमते हैं इसमें कुछ चेंजेस वगैरह हैं। और हाँ इसमें एक कार थी, वो मेरी भाई फेवरेट कार बन चुकी है, तो अब यहाँ पर मैंने गन तो लूट लिया, मुझे एक टॉमी मिल गई थी, मैं यहाँ पर बॉट मिल गया था, मैंने इसको मार दिया, अब बॉट का क्रेट लूट के मैं यहाँ पर कार में आके बैठ गया। मैंने अपने टीम मेट से पूछा आ जाओ यार चलते हैं गॉडज़िला के पास, वो उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैं अपनी कार उठा के मैं अलग आ जाता हूँ, देख के आता हूँ यार गॉडज़िला कैसा है मैप, मतलब कैसा दिख रहा है। मैं यहाँ पर रेड जोन में था, मैंने फटाफट यहाँ से कार निकाली रेड जोन से, अब मुझे यार गॉडज़िला की आवाज़ तो आ रही थी, और ये रहा गॉडज़िला भाई साहब, कितना बड़ा है भाई साहब, कितना बड़ा लग रहा है यहाँ से, इतनी दूर से इतना बड़ा लग रहा है, और वहाँ पे वो कुछ बिल्डिंग वगैरह तोड़ रहा था भाई, मतलब उसके चलने से भी देखो पूरा मैप हिल रहा है भाई, पूरा मैप थरथरा रहा है। मेरे को पता नहीं था कि ये इसको गोलियाँ लगी नहीं, फिर भी यहाँ पे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसको गोलियाँ लगेंगी नहीं लगेंगी। मैंने मैच पूरा करने के बाद किसी से पूछा, मतलब मेरे टीममेट ने मुझे बता दिया था थोड़ी देर बाद कि इसको नहीं लगेंगी गोलियाँ।
मैंने इस पर काफ़ी देर तक फायर करने की कोशिश करी। अब मैं फायर कर ही रहा था तो मैं एक यहाँ पे मकड़ी और आ गई है। इन दोनों की यार बहुत तगड़ी वाली फाइट होती है यहाँ पे। मतलब बिना ब्रश करा हुआ गॉडज़िला यहाँ पे इसको अपने मुँह की बदबू से ही मार देता है। काफ़ी तगड़ी फाइट थी। और इस कार की मैं बात कर रहा था और देखो यार, अच्छा भला मैं कार चला रहा था और सामने से एकदम बताया अचानक से बिल्डिंग आ गई ये कार। बहुत तगड़ी कार है, मतलब इसमें एंटर होने में इतनी तगड़ी आवाज़ आती है, इतना सही एग्जॉस्ट है इसका। मतलब सिर्फ टू सीटर कार है जी। मोबाइल वाले सही में यार बहुत तगड़े तगड़े चीज़ें कर रहे हैं यार गेम में। थोड़ी बहुत पबजी लाइट के अंदर भी कर दो, कुछ कुछ ग्लिच सही कर दो। मतलब इतनी ग्लिच है ना उस गेम के अंदर, क्या बताऊँ। और एक यहाँ पे एक लैम्बोर्गिनी का ये शोरूम, ये गेम के अंदर भी डाल दो चलाने के लिए। देखा है तो बंदों को मारूंगा ही नहीं मैं, पूरा टाइम गेम कार के अंदर ही घूमता रहूँगा। और यहाँ पे मुझे यहाँ से कार 98 मिल जाती है तो मैं कार 98 उठा लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास टॉमी के कुछ ज़्यादा एमो थे नहीं। अब मैं पूरा मैच खेले पूरा मैच नहीं दिखाने वाला आपको, मतलब मैं कुछ सीन ही दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैं कार उठा लेता हूँ वापस। मुझे ये कार चलाने में काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और FPV चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब ऐसा लगता है हम सही में कार चला रहे हैं। इस कार की आवाज़ भी इतनी बढ़िया है, स्पीड इतनी बढ़िया है, टू सीटर कार है, काफ़ी मज़ा आता है। तो यार मैं गेम पूरा कर चुका था, अब मैं कह रहा था ना आपको पूरा मैं गेम दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी कुछ गेम इतने खास गए नहीं है। मैं आपको यहाँ पे रॉयल पास दिखा देता हूँ पबजी लाइट और इसमें डिफरेंस क्या है। तो इसमें यार पहले तो 100 RP हमें करनी पड़ती है, और इसमें आई थिंक आठ हफ्ते बाद आते हैं नए नए रॉयल पास पबजी लाइट के अंदर, हर महीने आते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे हमें इमोट्स मिल जाते हैं। और ये मास्क तो भाई बहुत तगड़ा लग रहा है मेरे को, ये मेरा फेवरेट, काफ़ी अच्छा लगा था ये छल्ला। एक ये इमोट है बहुत तगड़ा, जब तक एक बार भी पबजी लाइट में ऐसा कोई आया नहीं है अभी तक। ये एक और इमोट है, ये फ्री में मिल सकता है हमें 15 RP में, ये काफ़ी बढ़िया है। 15 RP भी मतलब हमें फ्री में मिल सकता है इतना तगड़ा इमोट। ये कुछ ऐसे कार्ड्स हैं, ये स्टिकर, ये भी स्टिकर फ्री में। ये बैकपैक स्किन तो भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। और मैंने अभी करानी है डाउनलोड, पता है यहाँ बैकपैक स्किन देखो यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। ये मेरे ख्याल से बीटल था, हाँ बीटल था वो शायद बैकपैक पे कुछ बना हुआ, मुझे पता नहीं है। ये एरोप्लेन स्किन भी हाँ अच्छी है पबजी लाइट से कंपेयर करके यार काफ़ी अच्छी है। ये कुछ फालतू की चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये UMP की स्किन फ्री में काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी तगड़ी तगड़ी चीज़ें हैं। और हमें 100 RP करनी पड़ती है, और वो भी सिर्फ 8 हफ्तों के अंदर। ग्रेनाइट की स्किन बहुत ओपी है, बहुत ज़्यादा ओपी, कपड़े भी अच्छे हैं, हर एक चीज़ बढ़िया है। हमें 65 RP तक हमें फ्री में चीज़ें मिल सकती हैं, उसके बाद सिर्फ रॉयल पास वालों को मिलेगी। हाँ वो फिर उसके आगे हमारा कुछ करने का मतलब नहीं है। मैं ये ग्रेनाइट की स्किन है और UMP की स्किन है, और आगे कुछ चीज़ें हैं ये फालतू की चीज़ें। हेलमेट की स्किन काफ़ी अच्छी है, हेलमेट की स्किन भी काफ़ी बढ़िया है। मतलब यार पबजी मोबाइल के अंदर 100 RP करते करते यार काफ़ी कुछ मिल सकता है, हमारी इन्वेंट्री काफ़ी बढ़ सकती है। अगर मैं रॉयल पास लेने लगा तो मुझे मुश्किल से 3 रॉयल पास के अंदर मुझे इतनी चीज़ें मिल जाएंगी जितनी मुझे अब तक 1 साल के अंदर पबजी लाइट के अंदर मिली है। उसमें भी मेरी इन्वेंट्री थोड़ी सही है, लेकिन इसके अंदर जैसे रॉयल पास के अंदर इतनी सारी चीज़ें जो मिल रही हैं, ये अगर मैं कलेक्ट करना शुरू करूं तो मुझे सिर्फ 3 रॉयल पास से पूरी इन्वेंट्री मेरी बराबर हो जाएगी पबजी लाइट के बराबर। तो यहाँ पे यही सब कुछ था रॉयल पास के अंदर, ये बैक की स्किन्स, हेलमेट की स्किन, कपड़े और ग्रेनाइट की स्किन मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। और एक बैक की स्किन, कपड़े भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे को बढ़िया लगी वो बैक की स्किन और वो ग्रेनाइट की स्किन, भाई काफ़ी ओपी थी, काफ़ी ज़्यादा। तो मैं वापस लॉबी में आ चुका हूँ। अब मैं आपको एक बार अपनी इन्वेंट्री भी दिखा देता हूँ, कि एक बार आपको कंपेयर करके बता देता हूँ कि मेरी पबजी लाइट के अंदर इन्वेंट्री कैसी थी और अब इसके अंदर इन्वेंट्री कैसी है। ये देखो ये है इन्वेंट्री मेरी है, ये मेरे पास सिर्फ यहाँ पे 3 परमानेंट आउटफिट हैं, जिसमें से रेड वाला मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, और ये ब्लैक वाले के लिए मुझे करेक्टर स्विच करना पड़ेगा, जो कि मैं अभी नहीं करने वाला। काफ़ी सही है मेरे पास पबजी लाइट में भी, ये
ये वाला लिफाफा मेरे पास पबजी लाइट के अंदर भी है, लेकिन इसमें डोंट किल मी नहीं लिखा हुआ। ये कैप है, ये मेरे पास मास्क है, ये मेरे पास एक ब्लैक कलर की कैप है, मास्क मेरा एक, और इसको पहन लेता हूँ, कोरोना चल रहा है यार, पहन के रखना चाहिए। ये मेरे पास कुछ शर्ट्स वगैरह हैं, ये मेरी फेवरेट है फॉर्मल, और एक पैंट और लगा लेते हैं, पैंट लगा ली। और मेरे पास शूज़ भी खाली दो हैं, पैंट भी दो, शूज़ भी दो, और यहाँ पे मेरे पास ये तो मैंने अभी तक देखे ही नहीं थे, ये सब क्या है? ये सब मेरे को कुछ कार्ड्स वगैरह मिले हुए हैं, कुछ बॉक्सेस मिले हुए हैं, मैंने इसको इनको ओपन कर ही लेते हैं, अभी ओपन कर ही देते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है, इनको यूज़ करके देख लेता हूँ। क्योंकि पबजी लाइट के अंदर तो यार मुझे कुछ खास कुछ मिलता नहीं है इन सब के अंदर, सिर्फ सिल्वर मिल जाएगा, कुछ और कुछ खास चीज़ें मिलती नहीं है। देखते हैं पबजी मोबाइल के अंदर भी क्या मिल जाता है हमें। इसको स्किप करता हूँ मैं, और हमें यहाँ पर मिल चुका है, ओ भाई परमानेंट चीज़, परमानेंट मेरे को पहली बार मिली है, मेरे को पबजी लाइट के अंदर तो देते ही नहीं है। एक मेरे को तगड़ा सा मास्क मिल चुका है, यहाँ पे 50 मुझे कुछ मिल चुका है, 50 मेरे ख्याल से ये पबजी मोबाइल के अंदर सिल्वर है, मेरे ख्याल से हम पबजी लाइट के अंदर इसको सिल्वर बोलते हैं ना, तो मैं इसको पबजी मोबाइल का सिल्वर बोल दूँगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार अब मेरे को नया मास्क मिल चुका है, तो पुराना मास्क उतार देते हैं भाई। ओके है, मास्क सही है, मतलब ज़्यादा कुछ वैसा भी नहीं है, सही है। तो बाकी कार्ड्स खोल के देख लेता हूँ मुझे क्या कुछ पता नहीं कुछ मिल जाए, और कुछ अभी तक तो एक मास्क मिल चुका है। पबजी मोबाइल वालों से कुछ ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन सारी उम्मीदें तोड़ दी, कुछ ढंग का दिया नहीं अभी अभी तक, मतलब सिर्फ एक मास्क दिया है, उसके अलावा अभी कुछ दिया नहीं है, आगे मिलता रहेगा। एक कार्ड और मिला, इसको भी खोल के देख ही लेते हैं क्या मिलता है इसके अंदर भी। और इसी के साथ हमें यहाँ पे इस कार्ड से तो हमें मिल चुके हैं यहाँ पे एक हेलमेट की स्किन, उधारी पे मिली है कुछ दिनों के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी घिस डालेंगे चला चला के, मुफ्त का नंदन घिस मेरे नंदन वाली बात कर देंगे हम भी। तो यार हमें यहाँ पे हेलमेट की स्किन भी मिल चुकी है, कार्ड्स वगैरह सब ओपन कर दिए हैं, अब और कुछ एक्सप्लोर करते हैं इस गेम में क्या क्या नया आया है। यहाँ पे कुछ पॉइंट कार्ड हैं गोल्डन, इससे तो हाँ आरपी बढ़ेगी थोड़ा मुझे पता है। यहाँ पे ये सब चीज़ें तो हमारे बेकार हैं, क्योंकि हमारे पास स्किन वगैरह कोई है नहीं गन की, तो उसको क्या ही अपग्रेड करेंगे। तो यहाँ पे अब और देखते हैं क्या चीज़ें हैं, ये कुछ कार्ड्स पड़े हैं, ये भी मैं यूज़ नहीं करने वाला, ये पेंट है, पेंट भी किस काम का, बेकार है पेंट भी, पता नहीं क्यों डाल रखे हैं पबजी के अंदर, कौन यूज़ करता है इसको, मैं तो कभी नहीं करता। ये कार्ड क्या है ये भी मुझे अभी कुछ नहीं पता, ये भी बाद में देखेंगे। तो यार हाँ इसके अंदर पेट्स, हाँ मुझे पेट्स देखने थे कुछ, मेरे को बता रहा था कि इसमें नए पेट्स आए हैं, और ये कुछ पेट्स हैं, वाह भाई वाह, ये ड्रैगन, ये मेरे ख्याल से अभी इसी इवेंट का आया होगा, गॉडज़िला, ये थोड़ा थोड़ा गॉडज़िला जैसा लग रहा है यार, काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है यार। और ये गोरिल्ला यार काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं दोनों, गोरिल्ला तो कुछ ज़्यादा ही देखना मतलब कैसे चल रहा है भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा तो देखना यार, मेरा तो यार काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा है इनको ख़रीदने का, लेकिन अभी नहीं ख़रीदेंगे, अगर कुछ सालों तक ये रहा तो मैं ज़रूर ख़रीदूँगा इनको, तो अगर मेरे को मिल पाया तो मैं ज़रूर लूँगा ये, मेरे को यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और ये देखो यार ये हेलीकॉप्टर से खेलता हुआ, मतलब जब ये बोर हो जाएगा तो ये इसकी एबिलिटी है, ये ऐसे खेलेगा, और ये नॉर्मल टाइम पे ऐसे चलेगा वॉक करता हुआ, मतलब कितना क्यूट लग रहा था, मैं खुद देखा ये रन कर भागते हुए, जब हम भागेंगे ये, जब हम पैराशूट से उतर होंगे तब ऐसे करेगा, ये स्विमिंग करते हुए, ये बाकी टाइम पे ऐसे करेगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यार, काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगा मुझे तो, ये लेंगे यार ये भी हम कभी। और बाकी इसमें फैल्कन है, फैल्कन भी देखते हैं, गोरिल्ला तो देख लिया, अब यहाँ पे फैल्कन देख लेते हैं। वैसे फैल्कन देखने की ज़रूरत ही क्या है यार, ये तो बहुत पहले से है, इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हटाओ इसको, फैल्कन हमें नहीं देखना, वो तो हम पहले देख चुके हैं। तो यार अब बाकी सब तो देख लिया था, लेकिन अब एक चीज़ और रहती है, हाँ पबजी मोबाइल के यहाँ पे शॉप, मतलब इसमें यार काफ़ी तगड़ी तगड़ी चीज़ें मिलती हैं, और वो भी कुछ पबजी मोबाइल के सिल्वर से, ये जो कि मैंने देखे थे अभी कुछ दिन पहले, मुझे यार काफ़ी बढ़िया लगे थे,
मेरे को अभी पबजी मोबाइल करे 2-3 दिन हो गए और मैंने एक दो मैच भी खेले थे तो, और मुझे कुछ अधूरा अधूरा लग रहा था अपनी स्किन्स के बिना। तो यार मैंने यहाँ पे स्किन्स देखी, यहाँ पे मुझे स्कारल वगैरह सारी गन्स की स्किनें दिखी। इन्वेंटरी मैं अपनी भरूंगा इन सब चीज़ें, ये सब फ्री में चीज़ें ले लेके भरूंगा। अभी तो मैं रॉयल पास या फिर कुछ गेम में मनी इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करने वाला, तो मैं अभी यही सब फ्री में चीज़ें खरीद खरीद के अपनी इन्वेंटरी भरूंगा और थोड़ी बहुत स्किन्स खरीदूंगा, क्योंकि यार स्किन्स के बिना नहीं रहा जा रहा है यार, अधूरा अधूरा सा लग रहा है गेम के अंदर, मन नहीं करता इसकी वजह से खेलने का। और इसमें यार कपड़े यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है इसमें, जो कि मैंने अभी तक पबजी लाइट में देखे नहीं है। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े हैं और ये सनग्लासेस वगैरह और बैक की स्किन्स भी हम ले सकते हैं। अभी तो मेरे पास काफ़ी कम सिल्वर हैं, तो मैं भी और कलेक्ट करूँगा और कलेक्ट करके मैं लूँगा। ये वाली स्किन तो मेरे को ग्रेनाइट की मिल चुकी है, और भी स्किन्स लेंगे, गन्स की स्किन और बैक की स्किन मैं सारी फ्री में ले लूँगा मैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेट कर सकता हूँ मैं। अगर 4-5 महीने फ्री में वीडियो देख के मैं जब यूसी कलेक्ट करके ले सकता हूँ रॉयल पास, तो इस गेम के अंदर भी सिल्वर कलेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, पबजी मोबाइल है रॉयल पास में, तो अभी मैं पैसे बिल्कुल इन्वेस्ट करने नहीं वाला कुछ महीनों तक का यार, जब तक अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाते तब तक मैं अब तो इन्वेस्ट करने नहीं वाला। ये बग्गी की स्किन ऐसी थोड़ी थोड़ी मेरे पास थोड़ी थोड़ी मैच कर रही है, मेरे पास पबजी लाइट के अंदर है, ले लेंगे यार ये सब भी। पैराशूट यार ये वाला देखो, ये मुझे भी मतलब मैंने पहली बार देखा था ना, मेरा रिएक्शन एकदम, मैं एकदम चौंक गया था यार, इतना तगड़ा पैराशूट। काश पबजी लाइट के अंदर आ जाए एक बार, ताकि मिल तो जाए एक बार। ये इमोट्स इतने तगड़े तगड़े, सब लेंगे यार सब लेंगे, टेंशन मत लेना, आगे चल के सारी चीज़ें लेंगे। लेकिन अभी तो मैं फ़िलहाल गेम खेलना शुरू करूँगा पबजी मोबाइल, अभी तो मैंने स्टार्टिंग करी है, बस खाली मैंने 2-3 मैच खेले हैं गेम के अंदर, अब खेलना शुरू करेंगे, सिल्वर कलेक्ट करूँगा मैं, चीज़ें लूँगा नहीं नहीं। और इसके अंदर मॉली की स्किन भी है, मेरे को अभी तक लगता था कि मेरे को आज तक लगता जब मैं पबजी लाइट खेलता था कि आज तक मॉली की स्किन होएगी नहीं, लेकिन यार यहाँ पे मॉली की स्किन भी है, ये देख के मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी। और अब मैं बस ये कह रहा हूँ कि सिर्फ अब आपको पबजी लाइट की नहीं पबजी मोबाइल की वीडियो भी मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि मैं अब पबजी मोबाइल की वीडियोस भी पोस्ट करता रहूँगा। पबजी मोबाइल के अंदर भी ऐसे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है, जैसे चैलेंजेस हो गए, हम रूम कार्ड बना के चैलेंजेस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, मैं अपने डाल सकता हूँ वीडियोज़ काफ़ी डाल सकता हूँ इसमें। मेरा एक दोस्त भी था, वो भी मेरे को काफ़ी दोस्त कह रहे थे कि आ जाओ चलो रूम में खेलते हैं, तो यूट्यूब पर वीडियो भी डाल दियो, तो अब वो सब वीडियोज़ भी आती रहेंगी। रॉयल पास रिव्यूज़, पबजी लाइट, पबजी मोबाइल, इन सब के भी मैं देता रहूँगा, रिव्यूज़ तो देते ही रहेंगे, और बाकी गेम प्लेज भी आते रहेंगे। और हफ्ते 2 हफ्ते मैं माउंटेज भी डाल दूँगा, क्योंकि मैंने पहला जब माउंटेज डाला था उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि काफ़ी अच्छा था माउंटेज, और भी मैंने सोचा कि यार मैं आगे पोस्ट करता रहूँगा ऐसी वीडियोज़। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। इस बार वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, कोई बात नहीं, अगर आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करना। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।